हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप दोस्तों? आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने प्रोजेक्टर में हार्ड डिस्क चला सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं मेरे पास ये हार्ड डिस्क है जो कि मैंने अपने लैपटॉप से निकाला है, जब मैंने अपने लैपटॉप में SSD डाला था। अभी मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने प्रोजेक्टर में कैसे चला सकते हैं। तो ये हार्ड डिस्क है और आपको ख़रीदना होगा ये साटा केबल, जो कि साटा टू USB, इसको बोलते हैं साटा टू USB केबल। ये साटा हुआ हार्ड डिस्क में लगता है और ये USB केबल है जो आपको यहाँ पर प्रोजेक्टर में लगेगा। तो इसको कैसे लगाना है और कैसे प्ले करना है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्टर में दो पोर्ट है USB का। तो एक में लिखा है USB और एक में लिखा है 5 वोल्ट। तो जहाँ पर USB लिखा है वहाँ पर हमको ये लगाना है ये, और जहाँ पर 5 वोल्ट लिखा है वहाँ पर हमें ये साइड वाला USB लगाना है। दोस्तों आपको ऑनलाइन में ये सिंगल वाला भी मिल जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से सिंगल वाला में भी सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, कभी एरर हो जाएगा, इसलिए आपको ये डबल वाला लेना है कि सेपरेट सेपरेट हर चीज़ होगा इसमें। सिंगल वाला में हो सकता है उसको आज इसको पावर ज़्यादा ना मिले तो कभी कभी एरर हो जाए लेना हो। तो चलिए इसको कनेक्शन कैसे करते हैं। ये जो है देख सकते हैं ये सीधा वाला है, ये सीधा वाला USB हम यहाँ पर लगाएंगे जहाँ पर USB लिखा है, और ये साइड वाला जो है हम यहाँ पर पावर देने के लिए 5 वोल्ट जहाँ पर लिखा है वहाँ पर हम उसको लगा देंगे। तो दोस्तों हमने अपने प्रोजेक्टर में जो है इसको लगा दिया, इंसर्ट कर दिया है। अब हम प्रोजेक्टर को ऑन करेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा हार्ड डिस्क है। जब तक हमारा प्रोजेक्टर ऑन होता है हम इसको लगा देते हैं यहाँ पर। इसको लगाते ही जो है हमारा हार्ड डिस्क में साउंड आने लगा करके। अभी इसमें पावर तो आ गया है, जब प्ले होगा तो यहाँ पर जो है ब्लू कलर का लाइट ब्लिंक होगा। और इसको प्ले करने के लिए हम एक हाथ से पकड़ते हैं और दूसरा हाथ से आपको बता देते हैं। यहाँ पर आपके प्रोजेक्टर में जो है यहाँ पर सोर्स बटन, प्रोजेक्टर का रिमोट में जो है सोर्स बटन को दबाना है। सोर्स बटन दबाते ही हमें जाना है USB में। USB में जाकर हम ओके करेंगे तो देख सकते हैं प्रोजेक्टर स्क्रीन में USB 2.0 लिखा हुआ है, और जब हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर अभी तक तो नहीं ब्लिंक हुआ, लेकिन यहाँ पर फाइल आपको दिखाई दे रहा। तो हम हिंदी सॉन्ग में जाकर एक सॉन्ग प्ले करेंगे। तो दोस्तों जब हमने सॉन्ग प्ले किया, देखिए आप सॉन्ग प्ले हो रहा है तो यहाँ पर जो है ब्लू कलर का लाइट जो है ब्लिंक हो रहा है, यानी ये रीड कर रहा है हमारे हार्ड डिस्क को, और हमारा प्रोजेक्टर स्क्रीन में जो है बहुत ही अच्छा से जो है वीडियो दिखाई दे रहा है। हम इसको थोड़ा फॉरवर्ड करते हैं और देखिए दोस्तों हमारा वीडियो जो है बहुत अच्छा से क्लियर हो रहा है।